का आवास मोहम्मदाबाद में है। अंसारी का पैतृक आवास आज जेल से रिहा हुए है। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी, देश की तरक्की विकास में योगदान दिया, हमारे बाप दादा ने लोगों को बसाया है, गरीबों की हमारे बाप दादा ने मदद की है, आज दुआ करने वालों की कामयाबी का दिन है। अभी लड़ाई खत्म नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अफजाल अंसारी ने तमाम बातें कही है। मुल्क के निर्माण में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की सियासत में और गरीब आवाम की हिमायत में लगातार काम करते हैं और आज उसका सिला इस तरह से इल्जाम है कि इनकी इतनी दहशत है कि नाजायज तरीके से ये जनता से अवैध धन वसूलते हैं। इल्जाम है कि हम कमजोर लोगों की जमीन और जायदाद को कब्जा कर लेते हैं। हमने, हमारे बाप दादा ने लोगों को बसाया है, उनके सहारा बने हैं, उनकी मदद की है, हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम। इल्जाम लगाने वाले वो जो पूरी तरह से गरीबों का गला घोटने वाले लोग। कितनी खुशी थी लोगों में, लेकिन 29 तारीख साजिश करने वालों की कामयाबी का दिन था और आज 27 तारीख दुआ करने वालों की कामयाबी का दिन है। उनके मंसूबे नाकाम हुए, लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है और ये लड़ाई सिर्फ मैं नहीं लड़ रहा हूं, इस मुल्क में हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग, अपने सूबे में देख लीजिए, आजम खान साहब के साथ इसी तरह के हालात बने, उनके बेटे की सदस्यता खत्म, आजम खान की सदस्यता खत्म, तीन तीन मामलों में सजा की होती है कि सदस्यता न खत्म हो। अभी इसी हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के MP की सजा हुई है, थाने में घुस के लूटपाट करने और मारपीट करने की थी, 1 साल की सजा, ताकि सदस्यता भी न समाप्त हो, जेल भी न जाना हो। और हमारी 4 साल की सजा इसलिए कि सदस्यता भी समाप्त हो जाए और जेल भी जाना हो।